हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मीनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम मूस बनाने जा रहे हैं, चॉकलेट मूस। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और ये तीन इंग्रेडिएंट से आसानी से बन जाता है। ये डेजर्ट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं या फिर केक के ऊपर फ्रोस्टिंग या आइसिंग के लिए। तो मूस बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो इस तरह है। इसके लिए हमें गनाश चाहिए, चॉकलेट गनाश, डार्क चॉकलेट गनाश, और क्रीम लेंगे, व्हिप्ड क्रीम है ये। ये देखिए, हमने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम लिया है, और व्हिप्ड क्रीम आपको अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हो कि आप क्या चीज बना रहे हो और उसके लिए हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितना व्हिप्ड क्रीम लिया है। आप इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। व्हिप्ड क्रीम में हम गनाश मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना गनाश इसमें मिलाया है, चॉकलेट गनाश। आप गनाश की रेसिपी भी आप आराम से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और ये भी बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्पैचुला यूज किया है इसको मिक्स करने के लिए, बट स्पैचुला में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए बेटर है कि हम बीटर का यूज करें। सो वी विल यूज बीटर इंस्टीड ऑफ स्पैचुला। ये देखिए, बीटर से बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है। बीटर से गनाश जल्दी ही मिक्स हो जाता है व्हिप्ड क्रीम में, और मूस बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसकी ये जो ठंडा जितना टेम्परेचर होना चाहिए वो भी बरकरार रहता है। सो आप इसको बीटर की सहायता से ही बनाइए। स्पैटुला का भी यूज कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। सो देखिए, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम स्पैटुला से इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से बीटर की सहायता से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि एकदम अच्छे से मिल जाए। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम व्हिप्ड क्रीम लेंगे वो फ्रीज में से निकाला हुआ होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और गनाश आप रूम टेम्परेचर भी यूज कर सकते हो, बट अगर ठंडा होगा थोड़ा तो दैट विल बी बेटर, वो अच्छा होगा। सो देखिए, बहुत ही जल्दी हो गया है, ये हमारा मूस तैयार हो चुका है। अगर आप इसको ज्यादा डार्क मूस बनाना चाहते हो तो आप उसमें और गनाश मिक्स कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा मूस बनकर तैयार हो चुका है। आई होप यू विल लाइक माई रेसिपी, और सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू सो मच।